नैना बोले हम बोले ना वो बोले बोले नैना नैना बोले इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई थिंक वंडरफुल वर्ड विल नॉट जस्टिस टू व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग बोले नैना इट वाज कंसीव्ड a year and a half back by Deepak ji and then we decided ki abhi ye pura album hi karna hai then Deepak ji ko humne pucha who can write the best for us to matlab hamare liye kya wo to kisi ke liye bhi duniya mein likhenge to I think wo best hi hoga so then Deepak ji ne Gulzar sahab se baat ki and then he agreed and so this album contains 4 ghazals and 2 thumris और आज जो हम यहाँ उसका नाम है बोले नैना साइलेंसेस स्पीक और बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी आई थिंक इट वेंट थ्रू ऑल ऑड्स बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा हमें लेकिन कहते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए तो ये एल्बम का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था और आई थिंक ये जब आप लोग पूरा सुनेंगे जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा जितना भी देखने को मिला है आज जब ये लॉन्च होगा तो आप लोग जब देखेंगे तो सबकी वो जो कलेक्टिव मेहनत है वो जब देखने को मिलेगी तो आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जी जैसा कि अभी प्रतिभा ने बताया कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर हो गया करते हुए काम इस एल्बम पे और एल्बम इसको मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक हमारी एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी रही है जो कभी कभी हो जाती है कोई चीज़ें उनमें से एक ऐसी एल्बम बनी है जिसका नाम है बोले नैना साइलेंसेस स्पीक तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी एग्जैक्टली 1.5 साल पहले तो कुछ दिमाग में था कि करना है क्या करना है ये कुछ पता नहीं था फिर हम थोड़ा बैठते थे सेटिंग करते थे कुछ कि मैंने प्रतिभा ऐसा कुछ कंपोज किया है कुछ ये किया है तो वो सिलसिला शुरू होते होते अपने आप ही जो कहते हैं ना कि एक हर चीज़ का एक डेस्टिनी होती है तो ये एल्बम एक अपना एक भाग्य लेके आया था सही बात है तो गुलजार साहब से बात हुई ही सेड 100% मैं लिखूँगा ये एल्बम और उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है नरेट भी बहुत अच्छे से किया है और बहुत ही शिद्दत से उन्होंने और बहुत प्यार से जितनी जो जिस पैशन से हम लोग ने काम किया है वो ही उनका भी पैशन और इन्वॉल्वमेंट उनका भी कि वो हर जब भी हम कोई गजल गा रहे हैं उनकी वाली या जो ठुमरी गा रहे हैं तो ही वुड ऑलवेज कॉल एंड मेक श्योर कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं या तुम्हें कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है कोई लव्स बोलने में या आप जो बोल रहे हो आप एक बार मुझे सुनाओ तो हम लोग हमेशा ही उनकी अप्रूवल ले लेकर चलते थे एंड देन द माइस्ट्रो रिदम के जो हमारे गॉड कहे जाते हैं जाकिर हुसैन साहब को दीपक जी ने रिक्वेस्ट की एंड देन ही अग्रीड एंड उन्होंने भी ब्लेस किया हमारे एल्बम को एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट रवि जाधव जी जो कि हमारे मराठी इंडस्ट्री के बहुत जाने माने और बहुत रिनाउंड डायरेक्टर हैं उन्होंने इस पूरे एल्बम को डायरेक्ट किया है इंक्लूडिंग बोले नैना टाइटल ट्रैक जो आपने थोड़ा सा देखा है और बाकी के गाने आपको थोड़े थोड़े दिन में देखने को मिलेंगे तो आई थिंक जो ये कहते हैं ना किसी एक प्रोजेक्ट की एक जननी होती है या एक फादर ऑफ द प्रोजेक्ट होता है इसमें इतने सारे हमारे पास इतने सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं लेकिन फिर भी फादर ऑफ द प्रोजेक्ट दीपक पंडित जी ही रहेंगे हमेशा क्योंकि नो बट इसलिए दैट इज एक्चुअली द ट्रूथ क्योंकि इनका ही ये कंसीव किया हुआ आइडिया था और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर किसी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो आई थिंक You will see that and I hope कि आप सब लोगों को जो हम कह रहे हैं वो relate कर पाएंगे। और इस album की खासियत है मैं वो आप सभी के साथ share करना चाहूँगा कि गजल या ठुमरी ये जब title आता है तो लोगों को लगता है कि सरंगी होगा सितार होगा हारमोनियम होगा तबला होगा ये सब चीज़ें होने के बावजूद इस पूरे album की जो orchestration की है मैंने वो कम्प्लीटली एक ऑर्केस्ट्रल आपको टच मिलेगा सिम्फोनिक टच मिलेगा उसमें और इसकी सारी ऑर्केस्ट्रेशन बुधापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ की है एंड बोले नैना इज इंडियाज फर्स्ट एल्बम
in which we had we have mixed and mastered in Dolby Atmos music. Yeah. So ये इंडिया का पहला it is India's first Dolby Atmos yeah. mix. जी 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 और बहुत ही प्यार से इसको उस एल्बम को किया है, बहुत अच्छे से किया है और प्रतिभा ने जिस अंदाज से गाया है वो जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल उस चीज़ को महसूस करेंगे कि गायकी है पूरी, ठहराव, जो वर्ड्स की जो एक वर्ड्स को एक डिलीवर करना होता है, वर्ड्स के अंदर भी अपने एक जज्बात, एक सुर छुपे हुए होते हैं और ख़ास करके अगर वो गुलजार साहब लिख रहे हैं तो उसको बरकरार रखते हुए सारी कॉम्पोजिशन राग बेस्ड है लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो एक साउंड म्यूजिक का जो एक म्यूजिक प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल अप्रोच उसकी पूरी रखी है। तो ये बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है हम सबके लिए और बहुत दिल से काम हुआ है, बहुत प्यार से काम हुआ है और उसके लिए हम दोनों तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे सूफी स्कोर का 100% कि उन्होंने हमको बहुत फ्रीडम दी। Without whom actually it would not be possible. Yeah. ऐसा काम independent music इस तरह का इतनी liberty के साथ में किसी platform पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर किसी को पता है कि एक जब trend चल रहा होता है तो किसी अलग तरह का genre पकड़ के किसी अलग तरह का music करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोगों को वो ही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो trend में चल रही होती है। तो trend से निकल कर हमें कुछ एक real music जो कि आमतौर पर लोग नहीं करते हैं या करते भी हैं तो जो लोग बहुत ही गुणी लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में वो लोग कुछ ऐसा काम करते रहते हैं लेकिन ऐसा काम करने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत हौसला और सूफी स्कोर जैसे लोग चाहिए। एक ऐसा चैनल जो किसी भी तरह का म्यूज़िक आप करना चाहो उसको वो पूरी लिबर्टी आपको देते हैं कि आपको जिस तरह का भी म्यूज़िक करना है आप करने की पूरी लिबर्टी है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, वी रियली नीड मोर पीपल लाइक सूफी स्कोर इन इंडिया। यस, देश के लोगों को ये डेफिनेटली पसंद आएगा लेकिन अधूरी की आपने बात की उसकी भी मैं बात करूंगा। हम चाहेंगे कि आप न्यू लाइंस जो है गुनगुनाना भी हम आपसे सुनना पसंद करेंगे लेकिन उससे पहले कि गुलजार साहब का इतनी बड़ी सक्सेस है किसी भी प्रोजेक्ट में उनका इन्वॉल्व होना है, इस बोले नैना में इन्वॉल्व होना आप लोगों के साथ दीपक जी, आई थिंक ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिल्कुल। मतलब लोगों का शायद सपना होगा कि एक बार कभी गुलजार साहब के शब्द गाने का मौका मिल जाए लेकिन और हमें ये मौका भगवान ने बहुत जल्दी दिया है लेकिन बहुत मेहनत है इसके पीछे और मुझे लगता है कि ये किसी ब्लेसिंग और वी आर जस्ट फॉर्चुनेट यू नो उन गुलजार साहब के लिरिक्स, जाकिर साहब का होना उसमें, दीपक पंडित जी के म्यूज़िक एंड देन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रेशन जो बुडापेस्ट का जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो आई थिंक सब चीज़ें एक साथ में अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दीपक जी ने तो बहुत काम किया इसके पहले भी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बट ये कॉम्बिनेशन ये पहली बार हुआ है ये कॉम्बिनेशन कि गुलजार साहब, जाकिर हुसैन साहब, प्रतिभा और मैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हिंदुस्तान में भी पहली बार हुआ है और जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि डॉल्बी एटमॉस म्यूज़िक वो भी पहली बार इस एल्बम से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में। तो आप जब ये सुनेंगे कंप्लीट एल्बम तो मुझे यकीन है कि जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं और जिस ढंग की अदायगी है गाने में, सिंगिंग में या उसके म्यूज़िक अरेंजमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं लोग उसको बहुत अरसे से मिस कर रहे थे, ये मैं जानता हूँ। हम क्या करते हैं कि बोलते हैं अरे अच्छा काम, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप पर्सनली मत लीजिएगा कि यार ऐसा कुछ काम नहीं होता, ये नहीं होता, पहले कैसे खयाम साहब करते थे, मदन मोहन साहब करते थे, तो ऐसे लोग बातें बहुत मतलब करते हैं, वो विच इज़ ट्रू एक्चुअली। लेकिन क्या है कि उस काम को करने के लिए भी वो वैसी रूदारी चाहिए, वैसा मिजाज चाहिए, ऐसा मूड चाहिए और साथ में उसमें आप लोग का भी बहुत सपोर्ट चाहिए कि अगर आप लोग आ जाए, ये चीज़ देख करके हमको बहुत खुशी हुई है कि ऐसी चीज़ को जो हमारी धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सब म्यूज़िक है हमारा, तो ये जब आपके थ्रू पहुँचेगा, हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन अगर उसको आप अगर अच्छे से इसको पेश करते हैं तो
तो वो चीज़ की ख्याति उसका कैनवास और भी बढ़ जाता है। आई थिंक एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छा म्यूजिक भी होता है हमारे, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड म्यूजिक ही होता है, अच्छा म्यूजिक भी बहुत होता है, लेकिन उस पर लोगों की कम नजर जाती है क्योंकि जब उसकी उतनी प्रमोशन भी की जाए तब वो उस लेवल तक पहुंचेगी। जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा म्यूजिक हो रहा है लेकिन उन तक पहुंचेगा नहीं, तो शायद उनको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि म्यूजिक में डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच अप टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस कि वो कहते हैं ना कि अच्छा मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो क्यों ना शुरुआत करें ऐसी कि अपना एक अपनी एक ऑडियंस हमें खुद ही तैयार करनी है। जो ऑडियंस कोई और चीज सुन रही है अगर वो म्यूजिक ही सुनकर इतनी खुश है तो उन्हें अलग अलग तरह का म्यूजिक हम क्यों ना इंट्रोड्यूस करें। और ये म्यूजिक तो हमारा बरसों पुराना सदियों पुराना है, इसे सिर्फ हमें रिन्यू करना है, इसे हमें न्यू फॉर्म में न्यू जनरेशन तक पहुँचाना है ताकि जो अच्छा गाते हैं सिंगर्स और जो अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं वो लोग इस तरह का म्यूजिक और ज्यादा उसे रूटीन में लाएं। लाएं, बिल्कुल जी। सर एक बात, जैसे कि हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि पॉप का जमाना है जी, आए दिन हमें रोमांटिक भी चलिए सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन कुमरी मेरा ऐसा पर्सनल जी कुमरी जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने जो चैलेंज किया है कि मैडम ने भी बताया कि हमने जो ट्रेंड में चल रहा है थोड़ा सा हम उससे हटकर, ये कैसा रहा एंड कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए हमारी सोसाइटी में करना? बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ फिर इस बात पे आता हूँ कि ठुमरी कजरी इसमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब क्लासिकल बेस्ड ही होती है, उसके अलावा इसको वो ही गा सकता है जो क्लासिकल सीखा हुआ। तो सब अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी के लिए बोलूँगा नहीं, लेकिन क्या है कि जब मैंने प्रतिभा को, जब ये एल्बम की बात भी नहीं हुई थी, हमको पता भी नहीं था कि शायद ये हम लोग एल्बम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब कुछ बात ही नहीं हुई थी, आई मेट फर्स्ट टाइम समवेयर इन, मतलब कोई फंक्शन में मिला था मैं, और हम लोग सभी मतलब सोनू जी भी थे वहाँ पे, सलीम जी भी थे, तो एक गाने बजाने का भी माहौल था। तो मैंने जब उनको सुना, पहली बार सुना मैंने वहाँ पर, तो मुझे एक यकीन सा हुआ कि ये म्यूज़िक तो है ज़िंदा, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये जो जॉनरा है इसके लिए आपको वैसी वैसी वैसा ही आर्टिस्ट चाहिए, उस तरह की ही सिंगिंग चाहिए, उस तरह की ही आवाज़ चाहिए, उस तरह की ही रेंज चाहिए। इनका जो कमांड है वो गज़ल में भी कमाल का है, क्लासिकल सीखा है इसलिए, प्लस डिक्शन प्रोनाउंसिएशन, उसके अलावा ठुमरी कजरी और प्लेबैक में भी बहुत गाया है उन्होंने, तो शी इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर। तो जब एक कंपोज़र को एक ऐसा आर्टिस्ट मिलता है, तो मैं इसको कभी कभी बोलता हूँ कि मैं एकदम बेधड़क होकर कंपोज करता हूँ, कि मुझे पता है कि मैं जो कंपोज करूँगा वो तुम बहुत आराम से गाओगी, तो एंड ऑफ द डे वही होता है। तो इसलिए ये एक हम लोग ने डिसाइड किया कि लेट्स डू ठुमरी एंड गज़ल एल्बम, और हमारा जी आप कंप्लीट कीजिए, और हम लोग यही, मैंने जो भी आज तक जितना भी छोटा मोटा काम किया है, तो मैं अपने आप को खुश रखना ज़्यादा महसूस फील करता हूँ कि मुझे मज़ा आए कि कुछ काम हो रहा है। एक्चुअली म्यूजिक है ही ऐसा कि आप जब तक खुद खुश नहीं होंगे कुछ करके तो आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जो आपकी क्वेश्चन से मुझे याद आई थी कि मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी ये बोला था कि लोग अच्छा म्यूजिक करते हैं और लोगों तक पहुंचता भी है, बशर्ते उसको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि आपने ठुमरी की बात की, आपने एक ठुमरी अभी रिसेंटली सुनी होगी, बहुत मेरी तो बहुत पसंदीदा ठुमरी है वो, लब पर आए, शंकर महादेवन जी की कंपोज की हुई, और बंदिश बैंडिट्स एक सीरीज ही ऐसी है जिसका रूट ही क्लासिकल बेस्ड है, जहाँ से लोगों, जो हमारी आज की कहानी है ये उसी कहानी पर बेस्ड है कि लोगों को क्लासिकल के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनको समझाएं, उसके तरीके से एक उनको भेजना पड़ेगा राइट। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम जो कर रहे हैं वो न्यू जनरेशन तक पहुँचे, क्योंकि इसकी ऑर्केस्ट्रेशन जैसे कि दीपक जी ने कहा इंटरनेशनल अप्रोच रखी है, म्यूजिशियंस को अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज़ तो मुझे नहीं पता, पर जो दीपक जी बात करते थे हमेशा कि इसमें ये टेक्निकल कुछ इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, या प्रोग्रामिंग वाइज जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं,
तो आई थिंक जो यंग जनरेशन है और जो म्यूजिक को समझने वाले लोग हैं और जो आम लोग हैं, उन सबको ये अच्छी लगेगी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू 100%। तो बोले नैना का आज लॉन्च है और टाइटल ट्रैक है, तो वो ही गा देती हूँ थोड़ी देर। बोले नैना, नैना बोले, बोले नैना, नैना बोले, हम बोले ना वो बोले, बोले नैना, नैना बोले। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है। अच्छा सर, एक बात जो मुझे जल्दी बताइए, मुझे भी नहीं पता, यहाँ इस म्यूजिक में यूरोपियन या जो कल्चर को वो कैसे, वो तो अभी हम देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कुछ बता सकते क्या क्रिएटिविटी इस बार डिफरेंट किया? देखिए इसमें क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, जो इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है, मैं म्यूजिकल टर्म की बात कर रहा हूँ, नोटेशन, स्टाफ नोटेशन। तो आप अगर सपोज मैंने कंपोज किया है तो मुझे अरेंजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, एक साउंड स्केप होती है उसकी, उसकी सिम्फनी के अपने डिसिप्लिन होते हैं। अगर आप सपोज आप 60 म्यूजिशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या, जैसे मैंने इसमें स्ट्रिंग सेक्शन है कंप्लीट, हॉर्न्स है, वुडविंड्स है, कॉयर है, हार्प है, ऑर्केस्ट्रल पर्कशन है, तो आपकी भी समझ उतनी होनी चाहिए तब ये हो सकता है। उसके साथ साथ एक मास्टर स्कोर रेडी करना पड़ता है हमको, तो एक एक गाने का हमारा जो मास्टर स्कोर था, मैं आई वेंट टू हंगरी, मी एंड माय टेक्नीशियन, माय साउंड इंजीनियर सेतु रमन जी, उनके साथ हम सेटिंग करके आए, उनको स्कोर दिया जो स्टाफ नोटेशन कहते हैं उसको। तो उसमें आपको मैं बता दूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग सेक्शन वो जी क्लिफ से होता है, वेवलास के लिए सी क्लिफ होता है, और अपना जो शार्प क्लिप्स होती है वो हॉर्न्स के लिए होती है, तो वो आना चाहिए कंपोजर को, तो आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, वो तो इंग्लिश भी नहीं बोलते, लेकिन म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। तो जब उनको स्कोर दिया तो दे सेड कि ये तो बहुत ही सफाई के साथ लिखा है, और ऑर्केस्ट्रल और सिम्फोनिक ऐसा ही डिवीजन यही होता है, उसकी जो करेक्ट वॉइसिंग है, उसका करेक्ट पिचिंग है, उसकी करेक्ट रेंज है, तो इस तरह से बड़ा ईजीली हो गया ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।